Good morning, students. How are you? I am Vikas, and today we are going to discuss our part two of chapter direction. तो बेटा direction start करने से पहले, part two start करने से पहले एक बार channel को like, share और subscribe जरूर करें। Part one में जैसा कि आप सभी ने देखा था कि direction में जो आपने main जो हमारा direction base करता है, वो base करता है clockwise और anti-clockwise, ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे हैं clockwise means right side। जब भी आपको राइट में टर्न करना हो तो इट मीन्स आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और जब तक आपको एंगल गिवन ना हो तब तक आप 90 डिग्री पे मूव करेंगे। ऐसे ही जो लेफ्ट में जब आपको टर्न करने के लिए बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है? और डायरेक्शन हमारी ये जो मैप है टोटल 8 डायरेक्शन है हमारी, ठीक है? तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसमें है डायरेक्शन चेंज। तो डायरेक्शन चेंज के अंदर क्या होगा कि किसी भी डायरेक्शन को एक डिफरेंट डायरेक्शन का नेम देगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहें या फिर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से आगे भी क्रम हमारा जारी रहे। तब आपसे क्वेश्चन पूछा है देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो इस टाइप से जैसे साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा, नॉर्थ ईस्ट को हमने वेस्ट कहा, वैसे ही हम वेस्ट को क्या कहेंगे, ठीक है? अब वेस्ट को वेस्ट तो कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां भी हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो यहां भी हमें उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास जो डायरेक्शन है ये हो जाएंगी 8 डायरेक्शन, 4 मेन 4 सब। अब कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो यहां साउथ ईस्ट देखिए, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट को वो क्या कह रहे हैं, नॉर्थ। क्लियर हो गया ना? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अब साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ कैसे बनेगा? तो बेटा यहां चेंज देखो आप, एंगल में कितना चेंज हो रहा है। तो एंगल में चेंज होने के लिए या तो आप इसको क्लॉकवाइज मूव करवाओगे या फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, ठीक है? तो जहां भी डिस्टेंस कम है वहां इजिली है इसको मूव करना। तो साउथ ईस्ट से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और हम पहुंच गए नॉर्थ। इट मींस हमने कितना माइनस किया, 135 डिग्री। क्लियर? आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, साउथ ईस्ट से नॉर्थ अगर आप प्लस डायरेक्शन में आएंगे तो ये आपका एंगल हो जाएगा 225 डिग्री। क्लियर है? तो यहां इजी है कि जो डिस्टेंस कम है उसको प्लस माइनस करने में थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है? ऐसे ही आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कह रहा है, तो आप यहां देखिए ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कह रहा है, वेस्ट, ठीक है? जैसे साउथ ईस्ट से हम नॉर्थ गए तो -135 गए, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से जब आप वेस्ट आएंगे तो इसमें भी आप क्या आएंगे, माइनस, और चेक कीजिए ये मिलेगा 135। तो जितना एंगल आपको एक केस में गिवन होगा उतना ही सेम एंगल आपको सेकंड केस में गिवन होगा। एक प्लस किया तो दूसरे को भी प्लस करो, एक माइनस किया तो दूसरे को भी माइनस डायरेक्शन में करो, ठीक है? अब देखिए, इट मीन्स हमें कंफर्म हो गया कि हमें -135 डिग्री पे मूव करना है जो भी हमसे पूछा है। तो अब यहां पूछा है वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या कहलाएगा, ठीक है? ये आपके पास है वेस्ट, वेस्ट से आप माइनस जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और आप जाएंगे -135, ठीक है? तो वेस्ट से माइनस गए, ये तो हो गया 90 और 45 भी हो गया, तो आपका ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा -135 डिग्री, और ये हमारी सब डायरेक्शन है कौन सी है, साउथ ईस्ट। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है? आई होप क्लियर है आपको। अब एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, मान लो आपको बोल दिया नॉर्थ बिकम्स वेस्ट एंड साउथ बिकम्स ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट बिकम, ठीक है? अगर हम नॉर्थ को वेस्ट कहें, साउथ को ईस्ट कहें, तो नॉर्थ ईस्ट को हम क्या कहेंगे, ठीक है? तो नॉर्थ से वेस्ट चेक करो आप, अगर आप नॉर्थ से और वेस्ट जाओगे तो आप कितना जाओगे, -90।
क्लियर है, -90 डिग्री। अब यहाँ बार बार चेक करने की नीड नहीं है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना। साउथ से ईस्ट जाओगे तो वो भी क्या होगा, -90, आप चेक भी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, तो सेम नॉर्थ ईस्ट से -90 जाएंगे हम बच्चों, तो हम ये सब डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे और वो होगी नॉर्थ वेस्ट। आई होप आप सभी को क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन में गिवन है एट 3 o'clock, 3 बजे मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट करता है, तो आवर हैंड कहां पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्लॉक को शो करेंगे और क्लॉक में जो टाइम गिवन है उसको आप डिनोट करो, ये हो जाएगा 3 o'clock। 3 o'clock पे आवर हैंड 3 पे होगी और मिनट हैंड 12 पे होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट करती है। ठीक है, जब आप यहां देखेंगे तो मिनट हैंड कहां पॉइंट कर रही है, नॉर्थ पे, और वो नॉर्थ को क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, पहले वाली लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया ना। अब यहां आप इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट देखोगे बच्चों, तो ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है। वो कहता है इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मिनट हैंड को उसने बोला है कि वो नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट कर रही है, जबकि 3 o'clock पे कहां पॉइंट करती है, नॉर्थ में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आप क्या करेंगे, +45 डिग्री, क्लियर है। अभी सेम आपको क्या करना है, आवर हैंड के केस में सेम करना है, क्योंकि एक हैंड +45 जाएगा और टाइम आपको सेम रखना है, तो सेकंड जो हमारा दूसरा सुई है, बड़ी सुई है, सॉरी जो छोटी सुई है आवर हैंड, वो भी क्या होगी, सेम +45 डिग्री। ठीक है, तो आवर हैंड देखिए, आवर हैंड कहां पॉइंट कर रही है, ईस्ट पे, और जब हम इसको इसकी तरह +45 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो आवर हैंड कहां चली जाएगी, साउथ ईस्ट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्लॉक है उसमें 4:30 शो हो रहा है, ठीक है, और जो आवर हैंड है वो पॉइंट करती है नॉर्थ में, आवर हैंड कहां पॉइंट करती है, नॉर्थ में। तो आपसे पूछा है मिनट हैंड कहां पॉइंट करेगी, क्लियर है। तो अब क्लॉक में बच्चों हम शो करेंगे 4:30, तो 4:30 को शो कीजिए, 4:30 पे मिनट हैंड 6 पे होगी और आवर हैंड 4 और 5 के मिडल में होगी। ठीक है, तो आवर हैंड देखिए कहां पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ, जबकि आप यहां देखेंगे जो एक्चुअल में 4:30 पे आवर हैंड है वो कहां पॉइंट कर रहा है बच्चों, साउथ ईस्ट में, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कहां पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ में। तो हमारे पास क्या बन गया क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, तो साउथ ईस्ट से आपको नॉर्थ जाना है, इट मींस आप कैसे जाएंगे, -135 डिग्री, क्लियर है। अगर एक हैंड को आपने -135 मूव करेंगे तो जो आपका मिनट हैंड है वो भी सेम मूव होगा, -135। ठीक है, अब ये क्या है, मिनट हैंड साउथ पे है ना, तो साउथ का -135 क्या हो जाएगा, ये सब डायरेक्शन हो जाएगी जो कि है नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। तो क्लॉक से रिलेटेड डायरेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6 में देखिए, इन अ मॉर्निंग ए मैन परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। एक सुबह एक मैन है वो योगा कर रहा है, हेड डाउन लेग्स अप। ठीक है, मतलब नॉर्मल से अपोजिट होकर शीर्षासन कर रहा है कि नीचे की तरफ उसका हेड है और लेग्स हैं ऊपर। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, उसका जो फेस है वो कहां पॉइंट कर रहा है, वेस्ट में, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी। तो इस टाइप से आपको पूछेगा कि कोई पर्सन उल्टा होकर योग कर रहा है, किसी डायरेक्शन में वो देख रहा है, तो उसका लेफ्ट या फिर राइट हैंड कहां पॉइंट करेगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमारा जो एक्चुअल लेफ्ट राइट होता है, मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारा एक्चुअल लेफ्ट और राइट है, अगर पर्सन उल्टा होगा उसी डायरेक्शन में, तो आप समझ सकते हैं कि 180 डिग्री का चेंज होगा, तो उसका लेफ्ट राइट हैंड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा देखिए आप इस चीज को, कि नॉर्मल पोजिशन में एक पर्सन वेस्ट को फेस कर रहा है यहां पे,
नॉर्मल पोजिशन में, ठीक है, योगा कर रहा है, और वही पर्सन वेस्ट डायरेक्शन को फेस करता हुआ और लेग्स अप हेड डाउन हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री का चेंज हो गया ना, आप उसको चाहे क्लॉकवाइज कह लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कह लो, 180 डिग्री का चेंज हो गया। अब एक्चुअल में देखिए, जब वो वेस्ट को पॉइंट कर रहा था, जब हम वेस्ट को पॉइंट करेंगे स्ट्रेट होंगे तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारा कौन सा हैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड। राइट हैंड वेस्ट वालों का कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट, लेफ्ट हैंड कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो ये क्लियर है, वेस्ट की तरफ फेस करेंगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा नॉर्थ की तरफ और लेफ्ट हैंड हो जाएगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, जब पर्सन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 180 का चेंज हुआ ना, तो जैसे ही वो अपोजिट होगा उसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब ये डायरेक्शन पहले क्या थी, राइट, अब क्या हो जाएगी लेफ्ट, और ये डायरेक्शन पहले क्या थी लेफ्ट, अब क्या हो जाएगी राइट, क्लियर है, ठीक है। तो उसका लेफ्ट हैंड कहां पॉइंट करेगा, आप देख सकते हैं नॉर्थ में पॉइंट करेगा। तो मैं इसको और सिंपल कहूं, आपने क्या करना है, मान लीजिए एक पर्सन उल्टा होकर ईस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है योगा कर रहा है और उल्टा है वो, पैर ऊपर से नीचे और उसका फेस कहां है, ईस्ट में। तो अब आपसे पूछ लेगा कि उसका राइट हैंड कहां पॉइंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करो, इस डायरेक्शन को ही चेंज कर दो, जहां उसका फेस है ना उस डायरेक्शन को चेंज कर दो, विदाउट डायग्राम कर सकते हो आप इसको। तो ईस्ट का अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट का राइट हैंड देखिए आप, वेस्ट का राइट हैंड कहां होगा, नॉर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक पर्सन साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है, और पूछा है उसका लेफ्ट हैंड कहां पॉइंट होगा, साउथ को उल्टा होकर फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड कहां पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले आप साउथ का रिवर्स करेंगे, साउथ का रिवर्स क्या हो जाएगा नॉर्थ, साउथ का रिवर्स क्या हो जाएगा नॉर्थ। अब नॉर्थ का देख लीजिए, ये क्या होगी राइट साइड और ये क्या होगी लेफ्ट साइड, तो आपसे लेफ्ट पूछा है ना, तो लेफ्ट कहां पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारी रिलेटेड है शैडो से। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि टू पर्सन है वो एक दूसरे को फेस करके बातें कर रहे हैं, फिर इवनिंग का तो फेस टू फेस बातें करेंगे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी शैडो किस हैंड को बनेगी, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां एक चीज आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि शैडो है वो दो टाइम पे बनेगी, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में शैडो कहां बनेगी, तो सबसे पहले आपको पता है कि मॉर्निंग में जो सन की पोजिशन है वो क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर सन ईस्ट में है तो शैडो उसके अपोजिट बनेगी, यानी कि शैडो कहां बनेगी, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका टाइम इवनिंग है, इवनिंग टाइम में सन कहां होगा, वेस्ट में, और शैडो कहां बनेगी, ईस्ट में, ठीक है। देखिए इसको एक बार, ये हो गया मॉर्निंग और ये है इवनिंग। मॉर्निंग में आप देखेंगे तो सन हो जाएगा ईस्ट में, शैडो और सन हमेशा अपोजिट होंगे, और शैडो कहां बनेगी, वेस्ट में। यहां मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है। अब बात आती है कि ये पर्सन अगर मॉर्निंग के टाइम में ईस्ट को फेस करेगा तो शैडो कहां बनेगी, नॉर्थ को फेस करेगा तो शैडो कहां बनेगी, साउथ को फेस करेगा तो शैडो कहां बनेगी। तो बेटा ये आप क्लियर कर लो कि पर्सन कहीं भी फेस करता हो मॉर्निंग के टाइम, पर्सन किसी भी डायरेक्शन को फेस करता हो, चाहे वो सब डायरेक्शन है या डायरेक्शन है, ऑलवेज जो आपकी शैडो है वो हमेशा हमेशा के लिए वेस्ट में ही बनेगी। पर्सन का फेस कहीं भी हो लेकिन शैडो फिक्स होगी वेस्ट में। ऐसे ही इवनिंग के टाइम पे सन की पोजीशन हो जाएगी टुवर्ड्स वेस्ट, शैडो ऑलवेज कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी। क्लियर है, यहां जो पर्सन है वो कहीं भी फेस करता हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, कहीं भी फेस करे, लेकिन जो उसकी शैडो है वो कंफर्म है कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो शैडो और सन है वो क्या होंगे, दोनों अपोजिट है। मॉर्निंग में शैडो ऑलवेज वेस्ट में होगी और इवनिंग में शैडो ऑलवेज ईस्ट में होगी, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम इजिली कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां क्या करना है बेटा, आपने सबसे पहले जो सन है
उसको टाइम देखिए आप, मॉर्निंग का टाइम है, राम और श्याम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अगर मोहन की शैडो लेफ्ट ऑफ राम है तो मोहन कहां फेस करेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग का टाइम है तो सन को फिक्स कर दो बेटा, सन और शैडो को फिक्स कर दो, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में सन कहां होगा, ईस्ट में, और शैडो कहां होगी, शैडो हो जाएगी वेस्ट में, ठीक है। अब कहेंगे सर आपने पर्सन तो लिया ही नहीं, तो बेटा मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप शैडो को फिक्स कर लो। हमें पता है कि पर्सन कहीं भी देखता हो उसकी शैडो हमेशा कहां बनेगी, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये शैडो हो गई वेस्ट में, और जो ये शैडो है ये लेफ्ट ऑफ राम है, लेफ्ट ऑफ राम। हमें पता है कि जो ये शैडो है, ये शैडो है मोहन की, बट ये कहां पॉइंट कर रही है, ये लेफ्ट ऑफ राम है, लेफ्ट ऑफ राम, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि ये वाली साइड है, ये लेफ्ट साइड किसकी होती है। तो दो केस हैं, जो पर्सन नॉर्थ में फेस करेगा उसका ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ऐसे जो साउथ को फेस करेगा उसका ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, क्लियर है। तो आप देख लीजिए ये वाला लेफ्ट साइड किसका है, जो पर्सन नॉर्थ को फेस करेगा। क्वेश्चन में बोला है ना कि राम के लेफ्ट में है, और आपने शैडो देख ली लेफ्ट में हो गई, लेकिन ये लेफ्ट है किसका, नॉर्थ को देखता है या जो साउथ को देखता है। तो यहां से आपने देखा ये वाली जो वेस्ट की तरफ जो लेफ्ट बनेगा वो किसका बनेगा, जो पर्सन नॉर्थ में देखता है। तो आपको इजिली यहां से पता लग गया कि नॉर्थ की तरफ कौन फेस करेगा, राम फेस करेगा। अगर नॉर्थ में राम फेस कर रहा है तो इसके अपोजिट यानी कि साउथ, साउथ में कौन फेस करेगा, मोहन फेस करेगा, क्योंकि आपको बोला है दोनों फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखो आप, क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए आपके पास टू पर्सन है, ए और बी फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, और ए की शैडो बी के राइट में है, ठीक है, और टाइम है इवनिंग का। ए और बी फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, ए की शैडो बी के राइट में है इवनिंग में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइम को देखते हुए सन और शैडो के फिक्स कर लो। तो इवनिंग में सन तो हो जाएगा बेटा वेस्ट में, और यहां हो जाएगी हमारी शैडो फिक्स, शैडो बन गई, ठीक है। अब देखिए शैडो कहां है, शैडो ए की है और वो राइट ऑफ बी है, शैडो क्या है, बी के राइट में है। तो आपको देखना है कि ये वाली साइड राइट साइड किसकी है। तो यहां से देख लीजिए आप, राइट साइड ये किसकी है, नॉर्थ वाले की है या साउथ वाले की है। तो आपने देखा ये राइट साइड किसकी है, जो पर्सन नॉर्थ में फेस करेगा। इट मींस आपको पता लग गया कि बी का फेस कहां होगा, बी का फेस हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर बी नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ए तो उसका अपोजिट है, ए कहां फेस करेगा, साउथ में फेस करेगा। तो इस टाइप से इजिली आप सेंडो बेस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग सेंडो और सन को फिक्स कर दो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप, एक डायरेक्शन पोल है, डायरेक्शन पोल आपने क्रॉसिंग्स पे देखे होंगे कुछ इस टाइप से, जो डायरेक्शन पोल होते हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। एक क्रॉसिंग पे डायरेक्शन पोल है और एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो टर्न हो गया, ठीक है, पॉइंटर है वो टर्न हो गया इन सच ए वे डेट जो ईस्ट शो कर रहा था स्टार्टेड शोइंग साउथ, ठीक है। अब आप डायरेक्शन को देखेंगे एक्चुअल में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। एक्सीडेंट होने की वजह से ये क्या हुआ कि जो ईस्ट शो कर रहा था पॉइंटर वो क्या शो करने लग गया, साउथ, ठीक है। अब एक पर्सन है वो सीता है, ट्रेवलर है। अब वो क्या है कि जब उसने वो पॉइंटर को देखा तो एक्चुअल में वो क्या था, वो टर्न हो चुका था एक्सीडेंट की वजह से। तो अब उसको देख के, पॉइंटर को देख के वो कहीं भी जाएगी, ठीक है, तो वो क्या जाएगी, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये पॉइंटर जो है वो एक्सीडेंट की वजह से टर्न हो चुका है, ठीक है। सीता को कहां जाना है, वेस्ट में जाना है, तो एक्चुअल में वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यहां देखिए ईस्ट जो शो कर रहा था वो बाद में एक्सीडेंट की वजह से क्या शो करने लग गया, साउथ। तो इट मींस हम देखेंगे कि प्लस में 90 डिग्री हमारा जो पॉइंटर है वो रोटेट हो गया, प्लस
90 डिग्री का चेंज हो गया उसके अंदर। अब पर्सन को जहां भी जाना है वो क्या जाएगा, उससे प्लस 90 जाएगा। ठीक है, मान लीजिए साउथ में जाना है उसको, साउथ तो क्या बन चुका होगा, वेस्ट, क्योंकि इसे सारा का सारा टर्न हो जाएगा ना प्लस में 90। अगर वो वेस्ट में जाना चाहता है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग वो कहां जा रहा होगा, नॉर्थ में। नॉर्थ में जाना चाहता है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग वो कहां जा रहा होगा, ईस्ट में, और ईस्ट ने क्या शो कर दिया, साउथ, तो इट मींस प्लस 90। अब सीता को वेस्ट में जाना है, ठीक है, तो ये अगर प्लस 90 हुआ है तो वेस्ट भी क्या हो जाएगा, प्लस 90। इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 हाउसेज हैं और उनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो दी हुई है, सी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। इस टाइप से सभी की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है और लास्ट में 3 क्वेश्चन पूछे आपसे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका डायग्राम स्टार्ट करेंगे। सी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में सी 2 किलोमीटर है, तो हम कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हम बी को मानते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो बी के ईस्ट में, अब ये हो जाएगा बी का ईस्ट, इस तरफ हो जाएगा ना, बी के ईस्ट में सी कितना है, 2 किलोमीटर, मान लीजिए ये है सी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी का नॉर्थ ऊपर की तरफ हो जाएगा और यहां कौन हो जाएगा, ए, और ये डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर। एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ए का साउथ देखिए नीचे की तरफ हो जाएगा, यहां आप देख सकते हैं, अगर नॉर्थ में ए है तो इसका साउथ नीचे होगा ना। ठीक है, तो ए के साउथ में एच है 2 किलोमीटर पे, तो ए से साउथ आएंगे 1 किलोमीटर आ गए, 1 और आ जाओ नीचे, तो ये हो गया एच, तो 1 और 1 ये टोटल हो गया ए से एच 2 किलोमीटर। जी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, एच का वेस्ट देखिए, एच का वेस्ट ये हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, जी, और डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, डी इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, जी के ईस्ट में है, तो जी का ईस्ट इस तरफ हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर जाइए, 1 और 2 और जाएंगे, यहां कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर ये बी और सी 2 किलोमीटर है तो ये एच और डी भी इसके इक्वल होगा 2, तो आप जी से डी का डिस्टेंस देखो, 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, अब ये जी है, जी का नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, एफ और कितना होगा, 2 किलोमीटर, तो जी का नॉर्थ में आइए 2 किलोमीटर कहां तक आएंगे, इसके इक्वल, क्योंकि ये 2 है ना, तो इसके इक्वल ये 2 हो जाएगा, यहां कौन हो जाएगा, एफ, और डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आई इज जस्ट मिडल बी एंड सी, बी और सी के बीच में आई है, तो ये बी और सी है, इसका हाफ यहां बीच में कौन हो जाएगा, आई, इट मींस ये 1 और ये भी 1, क्योंकि 2 का हाफ हो गया ना 1 1। ऐसे ही ई इज बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में हो जाएगा ई, या तो ये डिस्टेंस 1 और 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये डायग्राम आपका। अब जो भी क्वेश्चंस जहां से भी डिस्टेंस या डायरेक्शन पूछे हैं आप यहां से बता सकते हैं। मान लीजिए जी और डी के बीच में डिस्टेंस तो 1 2 3, बी और आई के बीच में 1, ए और एफ के बीच में 1 के इक्वल हो जाएगी 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 1 प्लस 1 2 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ई एंड आई, ई और आई के बीच में ये परपेंडिकुलर जो है कितना हो जाएगा, इसके इक्वल 1 1 किलोमीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में देखो, ए और एफ के बीच में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूव कर, क्वेश्चन है बी इज इन साउथ वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ करेंगे कि ए के साउथ वेस्ट में बी है, तो लेट्स सपोज करते हैं ए, कहीं भी सपोज कर लो ए, ए का साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट पे है तो ए का साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होगी ना, ए का साउथ वेस्ट, ए के साउथ वेस्ट में कौन है, बी।
अगर ए यहां है तो ए का साउथ वेस्ट ये हो जाएगा ना, यहां बी हो जाएगा। आगे देखिए, सी इज इन ईस्ट ऑफ बी, सी है वो बी के ईस्ट में है, तो बी का ईस्ट इस तरफ होगा, बी के ईस्ट में, सॉरी बी का ईस्ट इस तरफ होगा, बी के ईस्ट में कौन है, सी है। क्लियर? सी का जो है दो बातें दी हुई हैं सी के बारे में, कि वो बी के तो ईस्ट में है और साउथ ईस्ट ऑफ ए, ए के साउथ ईस्ट में है। तो अगर आप ए का साउथ ईस्ट चेक करोगे, जैसे ये साउथ वेस्ट था तो ए का साउथ ईस्ट ये होगा, ए का साउथ ईस्ट ये होगा, ठीक है। तो ए का साउथ ईस्ट में जाइए, यहां कौन हो जाएगा, सी। क्लियर हो गया ना? बी के तो कहां हो गया, ईस्ट में, और ए के कहां हो गया, साउथ ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, डी इज नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में, ऊपर की तरफ होगा, सी के नॉर्थ में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन लाइन विद बी ए, जो डी है वो सी के तो नॉर्थ में है, हमने सी का नॉर्थ बना दिया, बट क्या है वो बी ए के एक लाइन में है, बी ए के स्ट्रेट लाइन में है, तो बी और ए के स्ट्रेट लाइन लेके जाओ इसको आगे कहां जाएगी, तो यहां डी को ले आओ, ये ले, ठीक है। तो ये सभी हमारे पॉइंट्स आ गए ए बी सी डी। अब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है आपसे वो बता दो, इन विच डायरेक्शन इज डी लोकेटेड फ्रॉम ए, डी है वो ए से कहां पॉइंट करता है, ए के रिस्पेक्ट में कहां स्टैंड करता है, ठीक है। कई बच्चे इसको रिवर्स पढ़ते हैं कि जो ए है वो डी के रिस्पेक्ट में कहां है, गलत हो जाएगा बेटा। फ्रॉम ए हम इसको क्या कहेंगे, ए से डी किस डायरेक्शन में है, ठीक है। डी लोकेटेड फ्रॉम ए, ए से डी किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ए से देखिए डी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये सब डायरेक्शन हो गई, कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ।